सर लॉट नंबर आपका जो है 7788 है। आपको आपके परिवार को बधाई हो, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप 25 लाख के विजेता बन चुके हैं। तो ऐसा देख ले, 25 लाख गिनती करके मेरे टेबल पे आ चुका है। अपने हाथों से मैं ये पैसा ठीक कर रहा हूँ, ठीक है, ये सिर्फ आपके अकाउंट में लगाने के लिए। दोस्तों स्वागत है एक और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपसे को बताने वाला हूँ कि मेरा जो है 25 लाख रुपीज़ का लॉटरी लग चुका है। सुन के आप लोगों को अटपटा लग रहा होगा ना, लाइव प्रूफ के साथ आप सभी को दिखाने वाले हैं। तो ये वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा आप सभी के लिए एक्चुअली नॉलेजेबल होने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं रिक्वेस्ट करूँगा शुरुआत में कि आप लोग हो सके तो एंड तक वॉच कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि और भी लोगों को इसके बारे में पता चले। अभी पूरा जो फैक्ट है वो आगे एक्सप्लेन करेंगे, लाइव प्रूफ भी दिखाएंगे। तो देखिए 25 लाख का लॉटरी मैं क्यों बता रहा था, लाइक मेरे फ़ोन में बात कर रहा हूँ कस्टमर ऑफिसर और एक मेरे फ़ोन में एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया, उसमें एक कॉल रिकॉर्डिंग आया और एक पोस्टर आया, ठीक है। पोस्टर ये है, अभी इसका ना पूरा एक्सपोज करके आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। 25 लाख का लॉटरी मेरा कैसे लगा है, क्या करना है। तो सबसे पहले ना उसका जो कॉल रिकॉर्डिंग उन लोगों ने भेजा है ना, एक रिकॉर्डिंग भेजा, उस रिकॉर्डिंग को आप लोग सुनो। राजेश शर्मा मुंबई से, सर आपके लिए इन्फॉर्मेशन गुड न्यूज़ जानकारी है। सर आप जो अपने मोबाइल के अंदर सिम चला रहे हो, जिस नंबर का आपके पास व्हाट्सअप चल रहा है, सर हमारी कंपनी की तरफ से आपके इसी व्हाट्सअप नंबर पे 25 लाख रुपए की सर आपकी लॉटरी निकली है। सर आपको और आपकी फैमिली को KBC से कांग्रेचुलेशन वधाई पेश करते हैं। सर मैं आपको बता दूं कि आपके इस नंबर पे लॉटरी कहां से और कैसे लगी है, हमारी कंपनी की तरफ से 5000 नंबरों का पार्टिसिपेट किया गया था, जिसमें एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, BSNL और जियो कंपनी 5000 नंबरों में से कंपनी ने आपका नंबर चुना है, जिस नंबर का आप व्हाट्सअप चला रहे हो। आपके इसी नंबर पे 25 लाख रुपए की लॉटरी है। सर मैं आपको बता दूं ये लॉटरी आपको कहां से और कैसे रिसीव होगी। सर मैंने आपकी व्हाट्सएप पे लॉटरी की कुछ डिटेल्स वगैरह भेजी है, डिटेल्स के अंदर एक मैनेजर का नंबर है। सर आपने उस नंबर को अपने मोबाइल के अंदर सेव करना है, सेव करने के बाद आपने उस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करनी है। अगर आप उस नंबर पे नॉर्मल सिम कॉल करोगे तो सर आपकी सिम कॉल नहीं होगी, आपकी उस नंबर पे फाइनली व्हाट्सएप कॉल होगी। जैसे आप मैनेजर को व्हाट्सएप कॉल करोगे तो मैनेजर आपसे आपकी लॉटरी का नंबर पूछेंगे। तो सर इस चेक लेटर के अंदर आपका लॉटरी का नंबर भी दिया हुआ है, आपने उनको अपना लॉटरी नंबर बताना है, बाकी की जो भी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन है आपको वहीं से दी जाएगी। थैंक यू फॉर कॉलिंग सर, आप इनसे बात कीजिए, बाकी की जो भी जानकारी आपको वहीं से मिलेगी। थैंक यू सर। आई होप आप लोगों ने ये जो 1.5 मिनट की रिकॉर्डिंग है ये सुन लिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक पोस्टर शेयर किया गया, देखिए यहाँ पे ऑल सिम कार्ड लकी ड्रॉ, ठीक है, ये स्क्रीन पे शेयर भी कर देंगे। इसमें इसका कहने का मतलब, ये जो फ्रॉड है इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो एक नंबर दिया है इस पे कॉल करना है, बट इसको सिर्फ व्हाट्सएप कॉल करना है, डायरेक्ट कॉल नहीं करना है, क्योंकि डायरेक्ट कॉल करने से तो कॉल रिकॉर्डिंग हो सकता है ना, इसी वजह से डायरेक्ट कॉल नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सएप कॉल करना है। तो एक बार ना फटाफट से क्या कर रहे हैं देखते हैं किस हद तक क्या किस तरह से इन लोग फ्रॉड करना चाह रहे हैं। तो ये जो नंबर दिया है इस नंबर को ना फटाफट से एक बार सेव कर लेते हैं, नंबर पे फ़ोन पे सेव करने के बाद इसमें एक बार मैसेज करके इनको बताते हैं। और यहाँ पे लॉटरी नंबर 7788 दे रखा है, ठीक है ना। तो किस तरह से इनको एक्सपोज करते हैं देखते हैं कहाँ तक हो सकता है, ठीक है, किस तरह से इन लोग चीज़ें बताते हैं, बात क्या होती है, हर एक चीज़ आप लोगों को अपडेट देंगे, ठीक है। फटाफट से नंबर सेव करते हैं पहले इसका। मैंने जो इनका नंबर यहाँ पे सेव कर लिया है KVC फेक का नाम से, तो फटाफट से सर्च कर लेते हैं एक बार, KVC फेक आ चुका है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे इनको मैं करता हूँ कॉल। सबसे पहले तो एक बार हाई लिखता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे डबल टिक लगता है कि नहीं लगता है। तो देखिए हाई लिखते हैं, यहाँ पे डबल टिक लग चुका है, यानी कि ये बंदा ऑनलाइन है जो भी फेक करने वाला है। इसको कॉल मिलाते हैं एक बार, बैल जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे ये कॉल पिक नहीं किया, ठीक है, फिर से एक बार लास्ट ट्राई करते हैं, हम लोग इसको फिर कॉल ट्राई नहीं करेंगे आज। अगर उधर से कॉल बैक आता है तो रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज फिर से कल एक बार ट्राई करेंगे। तो जैसे होता है कॉल कनेक्ट तो इसको लाइव रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से दोबारा भी कॉल पिक नहीं किया, तो इसको ना मैं फटाफट से एक मैसेज छोड़ देता हूँ, लाइक मुझे मिली है लॉटरी, मुझे लॉटरी लॉटरी लगी है 25 लाख की, ठीक है, ये मैंने मैसेज कर दिया, ये मैसेज करके मैं छोड़ दे रहा हूँ, देखता हूँ आगे इन लोग खुद से कांटेक्ट करते हैं या फिर मैं फिर से कल एक बार ट्राई करूँगा। तो देखता हूँ ऑन रिकॉर्ड मैं कैमरा वगैरह चालू करके रिकॉर्ड करूँ इसको, पूरा जो भी वाकया होगा ना कंप्लीट आप सभी के साथ शेयर करना चाह रहे हैं। तो इससे आपको मतलब एक्चुअली इस वीडियो से ना जागरूकता फैलेगी, इससे लोगों को पता चलेगा किस तरह से इस तरह का जो फ्रॉड है स्कैमर इनसे अवेयर रहना चाहिए, तो यही मैं चाह रहा हूँ एक्चुअली। तो देखते हैं जब इनसे कॉन्टैक्ट होता है तो फटाफट से फिर से एक वीडियो शूट करेंगे।
दोस्तों देखिए यहाँ पे इसका जो कॉल है वह खुद ब खुद आ चुका है, ठीक है। मैं यहाँ पे वेट करता हूँ, मैं रिसीव करता हूँ फटाफट से। हेलो हेलो। हेलो, हाँ नमस्ते सर, अभी कॉल करे थे आप। हाँ सर, मेरे को ना 25 लाख की लॉटरी लगी थी वो केबीसी की ओर से, तो मुझे पैसे कैसे मिलेंगे एक बार बताएंगे। लॉटरी नंबर बोल दो क्या आपका, मैं चेक कर लेता हूँ। सर 8877। ओके लाइन पर मैं चेक कर लेता हूँ। जी सर, वो आपका दूसरा नंबर जिस पे लॉटरी लगा, जी, वो मेरा दूसरा नंबर है। हाँ वो नंबर लिख के भेजो या उस नंबर से कॉल करें, तब आप लॉट नंबर चेक कर लेंगे, ठीक है। लॉट नंबर भी राइट बताएं आप, नहीं ठीक नहीं है। नंबर आप ले लीजिए ना सर, वो नंबर एक्चुअली वो फ़ोन मेरा ख़राब हो रखा था, इसी वजह से मैंने आपको वो कर दिया, दूसरे नंबर से फ़ोन किया। ओके वो नंबर लिख के भेज दें सर आप, ठीक है। तो अभी लाइन पे भेज देते हैं, आप लाइन पे रुको ना सर, आइए। लो आप, सेंड कर दिया मैंने। ओके सर, लॉट नंबर आपका जो है 7788 है। आपको और आपके परिवार को बधाई हो, वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन कि आप 25 लाख के विजेता बन चुके हैं। तो अभी आप ऐसा करो जी, अपना खाता नंबर, नाम हाँ और बैंक का नाम लिख के भेज दो। जिस अकाउंट में आपके 25 लाख हम लगाएंगे ना, हाँ जी, वो अकाउंट नंबर सेंड कर दो अपना, बेशक 0 बैलेंस वाला भी चलेगा, ठीक है। ठीक है। ओके और अपना खाता नंबर, नाम सेंड करें। ऑन कॉल कर देता हूँ मैं सर, 1 सेकंड लाइन पे रुकिए। ठीक है सर, आपको सेंड कर दिया मैंने अभी, देखिए आप चेक करिए। ओके ठीक है सर, कल मॉर्निंग कॉल कीजिए आप 8:30 पे। कल हाँ जी आपके अकाउंट में जो 25 लाख हम एक्टिवेट ऑनलाइन करेंगे और आपके नंबर मैसेज आ जाएगा। और अपना मोबाइल अपने पास रखना होगा, किसी को देना नहीं है, ना ही लोगों में को पब्लिसिटी चर्चाबाजी करना आपने कि हमारा लॉटरी लग गया। क्योंकि जी आपको जानकारी तो हमारा पर्स है, जब आपके अकाउंट पे पैसा आ जाए उसके बाद जैसा खुशी कर आपका डिपेंड होगा। ओके कल जी मॉर्निंग 8:30 बजे कॉल करें सर, कल आपके खाते में पैसे लगाएंगे, ठीक सर, एक चीज़ और पूछ रहे थे है। ना। हेलो, इसमें सर मुझे कोई पैसे वैसे देने पड़ेंगे क्या? आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा सर, अभी आपके अकाउंट में पैसा कल लग जाएगा। कल 8:30 बजे कॉल करो, ठीक है। कल रात सुबह ओके सुबह 8:30 बजे सर? सर मैं साढ़े आठ बजे मॉर्निंग में तो करना, रात को नहीं करना, सर मॉर्निंग में कॉल करना है 8:30 बजे, सर ठीक साढ़े है। आठ हाँ बजे तो मैं सो के नहीं उठता हूँ सर। तो कल उठ जाइए ना, सर मैं 9:30 बजे के बाद ही उठता हूँ सो के, उसके बाद कर लूँ? ठीक है 9:30 बजे बात कर लीजिएगा। ओके ठीक है, तो मुझे कोई पैसा वैसे नहीं देना है क्या? काट दिया। कल कल नहीं 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 करेगा, कल कल फिर से इसको कॉल करेंगे। इसको ना हमने रॉन्ग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया है, मेरा अकाउंट नंबर भी मैंने गलत दिया उसको, नाम भी मैंने दीपक अग्रवाल डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसने फिर से मेरे को कुछ एक वीडियो भेजा, देखते हैं क्या है ये। 8:30 का यहाँ पे टाइम लिख के भेजा, 8:30 AM, ठीक है ना। और अमाउंट वाइज ये हमारे पास ठीक है, बिल्कुल तसल्ली से पढ़ें, अपनी आंखों से चेक कर सकते हैं। और ये आपका चेक और फाइल जो हमारे पास कंपनी से है, ठीक है, ये कल सुबह मॉर्निंग में जाकर आपके बैंक अकाउंट खाता में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है। ये बिल्कुल आपका हर चीज़ रेडी पड़े, सिस्टम से आपका पैसा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होगा कल सुबह। तो देख लो बेफिक्र रहिए, पैसा। आपका अमाउंट अलहदा करके रखा हुआ है, ठीक है। मतलब कुछ भी देखो, इन लोगों ने यहाँ पे मेरा अकाउंट नंबर और नाम मांगा, ठीक है, जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी। कल इन लोग मेरे साथ स्कैम करने वाले हैं, बट करेंगे कैसे? मैंने अकाउंट नंबर भी गलत दिया, नाम भी गलत बताया, और प्रूफ के तौर पे इसने एक वीडियो भेज दिया 23 सेकंड का, इसमें काफ़ी सारे पैसे का फुटेज है, ठीक है, और फाइल्स वगैरह टेलीफोन वगैरह का फुटेज देख सकते हैं। तो मज़ा आएगा, कल एक बार फिर से कॉल करते हैं। लंबा हो सकता है ये वीडियो शायद, लेकिन आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को ना दबा के शेयर करिएगा। तो एक पार्ट अब कल रिकॉर्ड होगा, फिर कंबाइन करके सब एक साथ बनाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, अगर पेज पे देख रहे हो फेसबुक के, तो पेज को शेयर लाइक फॉलो सब कुछ कर देना। इस तरह के मज़ेदार कंटेंट भी कभी कभी मिलते रहेंगे ब्लॉग के साथ साथ। तो अब कल रिकॉर्ड करते हैं, कल इससे बात करते हैं, वो भी रिकॉर्ड करेंगे, देखते हैं क्या क्या कुछ नहीं होता कल, ठीक है। Tomorrow. दोस्तों आज है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे का मुझे जो KBC फेक कॉल वाला था वो 8:30 बजे कॉल करने के लिए कहा था, बट मैं भूल गया। भूलने की वजह से अभी टाइम हो गया है, 12 बज गया दोपहर का। तो अभी देखो ये जो नंबर है ना अभी भी ऑनलाइन है, ठीक है, बट ये ना बंदा अपने साइड से मेरे को कॉल नहीं किया। तो मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि इसको मालूम चल गया कि मुझे वो बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, तो इसने शायद कॉल नहीं किया होगा। तो मैं खुद से अपने साइड से एक बार कॉल मिलाता हूँ लाइव आपके सामने, अब बात करते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। ये कॉल लग गया है। कॉल कट कर दिया इसने, लग रहा है दूसरे कॉल पे बिजी होगा। ऑडियो रिकॉर्डिंग भेज रहा है मेरे को, ये देखते हैं क्या ऑडियो भेज रहा है।
है करना सर। ठीक है, अभी वेट कर लो, मैं आपका नंबर सिस्टम पे लगा रहा हूँ, एक डेढ़ घंटा वेट कर रहे हैं, अभी आपके अकाउंट में 25 लाख एक्टिवेट ऑनलाइन करेंगे और आपका नंबर मैसेज आ जाएगा। ठीक है, हाँ वेट कर ले, हम पैसा लगा रहे हैं आपके खाते में। देखो यहाँ पे एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेजा मेरे को, कॉल मेरा डिस्कनेक्ट कर दिया इसने, कॉल मेरा नहीं रिसीव किया। देखते हैं क्या होता है, वेट करते हैं। मेरा लाइट कैमरा एक्शन सब कुछ ऐसे ही रहेगा, ऐसे मेरा टेबल पे ही काम है तो मैं सब रखता हूँ। अगर कॉल आता है, जो भी आता है, किस तरह से इन लोग फ्रॉड करेंगे वो चीज़ आप लोगों को लाइव दिखाएंगे। ठीक है, पूरा एक्सपोज करेंगे इसको, देखते हैं कोशिश करते हैं कहाँ तक होता है। तो वेट करिए, फिर ये कॉल वगैरह इससे जो भी बात होता है बताएंगे आपको। A few moments later. थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़, इन लोगों ने मेरे को कॉल किया था अभी। ठीक है, मैंने काफ़ी बार इन लोगों को मैसेज भी किया कि भाई मेरा पैसा दे दो, एक घंटे से पार हो गया, डेढ़ घंटे पार हो गया। तो ये कॉल किया था, कॉल मैंने उठाया नहीं कैमरा वगैरह लगाने के चक्कर में, तभी इसने वॉइस रिकॉर्डिंग भेजा है। तो चाहिए लौटने से, फाइल बंद कर दो, एडिटर अभी आपको कॉल कर रहे हैं, अभी कॉल भी नहीं पिक कर रहे हो आप। धमकी देखो इसका, अभी मैं अपने एंड से कॉल लगाता हूँ एक बार इसको। हेलो हेलो, अभी आपको कॉल कर रहे थे सर, कॉल उठा लेते आप। सर बाहर चला गया था मैं, आपको मैसेज करने के बाद मैं बाहर निकल गया था, बताइए। अभी देखिए आपके डॉक्यूमेंट फॉर रेडी हो चुकी है, अभी आपके खाते में जो 25 लाख हम लगा रहे हैं ना, जो ऑनलाइन कर रहे हैं, इसलिए इतना टाइम लग रहा है जी, जो आपके अकाउंट पैसा जा नहीं रहा है, क्योंकि इसलिए नहीं जा पा रहा क्योंकि सर एक बैंक से दूसरे बैंक में जो पैसा ऑनलाइन करने से पहले आपको ट्रांजेक्शन चार्जर फीस आ रही है, जो भारतीय गवर्नमेंट टैक्स है, जो आपने फर्स्ट में पे करना है, जो 6200 6200 आपको टैक्स आ रहा है, और जैसे जमा करोगे ना, जमा करते ही 10 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में 25 लाख आएगा और आपको मैसेज आ जाएगा। तो मुझे ये बताइए जी, आपको टैक्स जमा करने में कितना टाइम लगेगा, 6200 आधा घंटा 20 मिनट? सर वो तो 5 मिनट का काम है। हेलो, क्या कह रहे सर? 5 मिनट में कर देंगे सर। हाँ 5 मिनट में कर देंगे, कहाँ से कर जमा करोगे? आपके मोबाइल में है कोई पेटीएम अकाउंट, गूगल पे, फोन पे, मोबाइल से कर सकते हो? हाँ मोबाइल से कर देंगे। हाँ तो जमा करो, अभी आपको नंबर बता रहा हूँ, सरकारी ऑफिसर का नेम और नंबर। ठीक है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे डिटेल भेजिए। और आपने तो कल कहा था कि कोई पैसा वैसा देना नहीं पड़ेगा। कब मैंने बोला था पैसा नहीं करना पड़ेगा? मैंने आपको बोला था कोई चीज नहीं लगेगा, लेकिन टैक्स वो तो लगेगा। आपसे कल मैंने बोला था कोई पैसा वैसा देना पड़ेगा, तो आपने कहा था कि नहीं नहीं देना है। अरे भैया टैक्स तो हर कस्टमर पे लागू होता है, अगर विश्वास नहीं है तो वीडियो कॉल करके देख लो। अच्छा ठीक है, तो मजाक करने के लिए थोड़ा बैठे हैं। अच्छा तो एक काम करिए, मेरे को अकाउंट का डिटेल भेजिए। ओके ठीक है, अभी गूगल पे नंबर भेजो या स्टेट बैंक का अकाउंट भेजो? आपको स्टेट बैंक अकाउंट ही भेज दो। ठीक है, और ऑन कॉल ही भेजो सर, मैं ऑन कॉल कर दूंगा। क्या ऑन कॉल कर देंगे? आप कॉल का लाइन पे रखो, आप मेरे को डिटेल भेजो, मैं पैसा ऐसे ही भेज देता हूँ आपको, लाइन पे रुकना आप। ओके ठीक है, चेक करो, नंबर भेज दिया आपको, स्टेट बैंक का अकाउंट नंबर भेजो गूगल पे, जो भी भेजना है भेज दो सर, किसी पे चला जाएगा। ये देख लीजिए आगे आपके व्हाट्सएप पे। ये इतना सारा मेरे को क्या भेजे आप? ये डिटेल भेजा ना, जो आपको एक्टिवेट कर रहे हैं, जिन कस्टमर टैक्स जमा किया वो देख लो अपने आंखों से। ये अकाउंट नंबर भेज दिया, ट्रांसफर करो। एक सेकंड कर रहे हैं। नाम क्या था सर? प्रवीण। प्रवीण जी। अकाउंट नंबर है 4112295043 7 जी। अच्छा तो सर, हेलो। हाँ क्या हुआ? मैं कह रहा था कि ऐसा ना करें कि जो पैसे 25 लाख आएंगे उसमें से आप काट लो। मेरा भाई अगर उसमें से कट होता तो कट कर लेते, या दूसरे लोग बेवकूफ है जो टैक्स जमा कर रहे हैं, किसने 12,000 किने 9,000 किने 8,000 किने 10,000 जमा किए, आपको एक 6,000 जमा करते हो, डर लग रहा है? नहीं मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आप 25 लाख में से पूरे 6,000 की जगह 50,000 ही रख लो। आपने जमा कर रहे हैं या आपने अभी जमा कर रहे हैं, फाइल बंद कर दो ये बताओ, अभी लाइन पर है वो, अभी जमा कर रहा हूँ, अभी उसमें से कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अबे तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गाली गलौज हो गया, क्योंकि उसको भी पता चल चुका था कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसके झांसे में नहीं पड़ा हूँ,
और ऑन कॉल उसने सारा ये अकाउंट का देखो ना कितना सारा ये प्रूफ के तौर पर भेजा। ये प्रूफ एक्चुअली पता है क्या है, ये जितने लोगों से फ्रॉड किया ना वो सब है। देखो 14,100 रुपये का यहाँ पे देखो उसका पेमेंट रिसीव भेजा है मेरे को, उसके बाद यहाँ पे भेजा है फिर से 9,500 का। तो एक्चुअली ना ये काम कैसे करते हैं हमको बता दे रहे हैं अभी अभी। एक बार फिर से उनको ट्राई करता हूँ कॉल, देखते हैं क्या होता है। लेकिन क्या फ़ायदा, वो तो जान गया कि मैं उसके झांसे में पढ़ने वाला नहीं हूँ। आई थिंक वो ब्लॉक कर दिया मेरे को। देखो यहाँ पे उसका जो स्टेट बैंक का डीपी था वो गायब हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को और ऐड करना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो उसने जो ये वीडियो क्लिप्स वगैरह भेजा ना मेरे को, इसमें से एक दो वीडियो आपको दिखा देता हूँ। देखो इसने प्रूफ के तौर पर ये भेजा है कि मतलब हमारे पास इतने पैसे हैं। देखो ये सारे इसका वॉल्यूम कम करते हैं। देखो इसमें पैसे वैसे का फुटेज दिखा रहा है। उसके बाद नीचे अगर हम जाते हैं दूसरा वीडियो भी भेजना, तो यहाँ की एक औरत है ये बता रही है कि हम मुझे 25 लाख रुपए मिल चुका है। देखिए खान है, मैं केबीसी कौन बनेगा करोड़पति के मालिक अमिताभ बच्चन जी का धन्यवाद करती हूँ। मैं बहुत ही गरीब और मैंने किसी भी तरह से देखो स्क्रिप्टेड है, इसको लिख के दिया गया। ये पढ़ के बस ये बोल रही है कि मुझे 12,600 रुपये देना था, दे दिया मैंने और 25 लाख मुझे मिल गया। देखो किस तरह से फ्रॉड कर रहे हैं यार, मतलब लोगों से वीडियो बनवा लिए ताकि इससे लोगों को और बेवकूफ बनाया जा सके। यहाँ पे देखो पैसा पैसा देख ले, 25 लाख गिनती करके मेरे टेबल पे आ चुका है। अपने हाथों से मैं ये पैसा ठीक कर रहा हूँ, ठीक है, ये सिर्फ आपके अकाउंट में लगाने के लिए। जैसे ही चार्जिंग भरेंगे आपके अकाउंट में ये पैसा लगेगा। देखो कितना बेवकूफ, नीचे एक बंदा है देखो, ये भी साला ऐसे बंदों को ना लात मारना चाहिए, ये भी बोल रहा है। देखो मेरे नंबर पे लॉटरी लगा था भाई, 25 लाख का राणा प्रताप सिंह ने डाल दिया है मेरे बैंक में 25 लाख। अब मैं जा रहा हूँ निकालने, ये रहा आधार कार्ड और पासबुक। अरे सुअर मारना चाहिए लात तेरे को। तो इस तरह का देखिए इन लोग वीडियो बनवा कर भी बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को, ठीक है ना। ये सारा उसने प्रूफ भेजा देखो, 9,500, 14,100, इस तरह से बेवकूफ़ बनाया उसने लोगों को। तो अभी हम बात कर लेते हैं इसके डिटेल्स के बारे में। देखिए एक्चुअली अभी मैं इसको 6,200 रुपये पेमेंट कर देता ना, तो अगेन वो क्या करता, थोड़ी देर बाद वो मेरे को मतलब मैं तो भाई परेशान होता ना, जैसे मुझे तो पता है सब कुछ कि फ्रॉड हो रहा है तो मुझे कोई टेंशन नहीं होगा, या फिर मैं उसको तो सारा जो डिटेल ही मैंने गलत दिया, ठीक है। तो अभी मान लीजिए आप लोगों में से कोई भी जिसको नहीं समझ में आ रहा है ये चीज़ की फ्रॉड है, और आप लोग 25 लाख के लालच में अगर 6,200 उसको पेमेंट कर भी दिए, ठीक है, तो अब तो आप एक्साइटेड हो गए भाई 25 लाख मिलने वाला है। तो अगले कुछ ही मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट में ना आप पागल सा हो जाओगे कि भाई मेरा कब मिलेगा पैसा, ठीक है ना। तो आप ट्राई करते रहोगे उसको, फ़ोन आपका फ़ोन इग्नोर करता रहेगा, फिर आपको घंटे 2 घंटे टाइम बीत जाएंगे, आप बिल्कुल सेंसलेस हो जाओगे, आप समझ में नहीं आएगा आप करोगे क्या। तो उस केस में क्या होगा ना, फिर आपका कॉल वो पिक करेगा, फिर आपको कॉल करेगा, वो बोलेगा ना कि जो अमाउंट है लॉटरी का वो काफ़ी बड़ा है, 25 लाख रुपये, तो ये ना आपको ट्रांसफ़र करने में फिर से दिक्कत आ रही है, इसमें फिर से टैक्स आ रहा है, तो इस बार आपको फिर से 15,000, 20,000 अमाउंट, कुछ भी अमाउंट बता सकते हैं, इतना आपको सेंड करना होगा, तब जाके ये पैसा क्लियर होगा। तो उसमें से पता है 100 लोग अगर उसको पेमेंट किए ना, तो उसमें से 10 लोग ये सोचेंगे कि भाई जब 6,200 कर ही दिया तो और 10-15 हज़ार करना है तो कर लेते हैं, 25 लाख तो आ ही जाएंगे। और लेकिन 80-90 लोग ये सोचेंगे कि नहीं भाई ये फ्रॉड है, वो गलत कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, तो उसको पैसा ना भेजे। लेकिन 100 में से 10 लोग वो कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आप लोगों तक जागरूक फैले, आप लोग जागरूक हो जाओ किस तरह से ये लोग स्कैमर जो फ्रॉड है फ्रॉड करते हैं लॉटरी के नाम पर। तो आई होप आप सभी को इससे कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जिसके पास भी लॉटरी वाले इस तरह के व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं उन सभी तक पहुंचे और उनको भी इससे हेल्प मिले और उनके साथ भी फ्रॉड ना हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।